ईश्वर ही है और है कौन। ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आप का मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, YouTube ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने नौ की प्रार्थना की, YouTube चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए, सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ
हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेम आनंद मौन के साथ जिएगा, सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं, सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाए अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिए। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
ग्रंथ में आती पश्चिम वाली, पश्चिम के लोग किस तरह की खुशी वो प्लस करना चाहते, प्लस हर चीज में और क्या प्लस करें। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते क्या प्लस हो, क्या खाएं, टीवी तो देख रहे हैं वो तो एक खुशी है ही है, साथ में कुछ और भी कुछ खाएं, दिस प्लस दिस उनके लिए वो हैप्पीनेस है। और वो अभी भारत देश में भी शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए प्लस वाली खुशी क्या है, संडे हो प्लस अप्पू घर जाने मिले, ये दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यंगस्टर्स के लिए उनका फेवरेट फिल्म स्टार हो और पहला दिन पहला शो हो फ्राइडे का, तो ये प्लस, ये तो उनके लिए प्लस वाली खुशी है। ये तो मिल रहा है, इसमें कुछ और जोड़े। वो बिजनेसमैन है, रात को आया तो उसके लिए वही खुशी है कि वो विस्की लेकर बैठे और उसके साथ काजू चिवड़ा लेकर रखे, दिस प्लस दिस वही उनकी हैप्पीनेस है, और कोई हैप्पीनेस वो जानते नहीं। दिन भर परेशान होकर लौटे जब, हाउसवाइफ के लिए क्या है कि उपहार मिले और वो भी सोने का हो, तो दिस प्लस दिस बहुत बढ़िया है। और आम सभी लोगों का क्या देखा गया, टीवी और उसके सामने खाना खाने को मिल रहा है, तो अधिकांश लोगों की ये हैप्पीनेस है, इसके साथ ये मिले तो खुशी है। पश्चिम देश से जो आई हुई आदतें हैं उसमें ये जोड़े उसमें वो जोड़े, तो ये चार तरह की खुशियां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर उत्तेजना वाली, दक्षिण द्वितीय यानी सेकंड हैंड हैप्पीनेस, पूर्व पुरानी जो पैसों को बढ़ाने से ही मिलती है ऐसी मान्यता, और पश्चिमी यानी प्लस वाली खुशी। इसमें ये जोड़े तो सोने पे सुहागा, इसमें ये भी हो जाए तो सोने पे सुहागा, वो प्लस करने में लगा हुआ है ये चार खुशियां। और फिर इनके बीच में जो है केंद्र पर, सेंटर पर, हमारे हृदय पर, हमारे तेज स्थान पर, उसे कहा गया है तेज खुशी। तेज शब्द जब भी आए तो समझ जाना ये मन से परे, दो से परे, सभी दिशाओं से परे, दुख है सुख है और तेज खुशी है, दुख सुख से परे, शोर है शांति है, दोनों से परे है तेज मौन। तेज कहा तो दो से परे, ज्ञान है अज्ञान है, दोनों से परे है तेज ज्ञान। जब परे वाली चीज हो तो तेज शब्द आता है। तेज खुशी यानी इन सब से परे जो है, केंद्र पर है, सोर्स पर है, जब हम वहां पर है तो हमें झूठी खुशी की आवश्यकता नहीं है, हम उससे दूर हो जाते हैं, अपने केंद्र से दूर हो जाते हैं, तो दुख ही दुख होता है। आज हम समझे कैसे उस केंद्र तक पहुंचे, उस केंद्र पर हम खुल जाते हैं, और जब हम केंद्र से दूर है तो सुकुड़ जाते हैं, फिर हम सुकुड़ कर बैठते हैं। पूरी जगह हो तो भी, अभी यहां जगह कम है इसलिए लोग थोड़ा सुकुड़ कर बैठे हैं, मगर जगह हो तो भी लोग सुकुड़ कर जीते हैं। रास्ते से जा रहे तो कोई देख रहा है मेरी तरफ, सुकुड़ जाते हैं, मुझे देखकर हंस रहे हैं लोग, बिल्कुल सुकुड़ जाता है। तो देखोगे लोग सुकुड़ कर जी रहे और उस वजह से असलियत से दूर हो गए हैं। क्या वाकई डर कर जीने की आवश्यकता है, सुकुड़ कर जीने की आवश्यकता है? जब असली सत्य पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है, तो तेज खुशी मिलने लग जाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।